Hey guys, welcome back again on channel. जीवन में ना हम कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनके रोजाना इस्तेमाल के बावजूद भी हम उन चीजों के बारे में खास जानकारी नहीं होती हमें, लेकिन कभी ऐसे सवाल हमारे सामने आए तो हम उसके बारे में जानने की इच्छा जरूर जागती है। आज हम आपको ऐसे ही एक खास इन्वेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन उसके पीछे की लॉजिकल बातों के बारे में हमें नहीं पता होगा। हम बात करने जा रहे हैं ब्लेड की। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच में दिखने वाला एक खास तरह का ही डिजाइन क्यों होता है, और दुनिया की हर कंपनी ब्लेड को एक ही डिजाइन में क्यों बनाती है? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में और उसके इन्वेंशन और उसके इन्वेंटर के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। आपको पता है आज से कई वर्षों पहले इंसान किस तरह से शेविंग करता होगा? पहले पत्थर को घिसकर उसे धारदार बनाकर उन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकारों में ढाल लिया जाता था और फिर उससे शेविंग की जाती थी उन पत्थरों से। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है और आप सोच सकते हो कि इस तरह से शेविंग करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। इस तरह के सभी औजारों का उल्लेख इजिप्शियन सभ्यता में मिलते हैं। शेविंग करने का ये वस्तु है इजिप्त के मकबरे में पाई गई थी। उस समय इजिप्त के निवासियों के मरने के बाद ये वस्तुएं भी उसके मृतदेह के साथ दफन कर दी जाती थी। लेकिन आज के समय ऐसी वस्तुओं से शेविंग करना मुश्किल है, इसीलिए इस इजिप्शियन शेविंग किट मिलने के कई सालों बाद 1720 शताब्दी में स्ट्रेट रेजर का आविष्कार हुआ। ये शेफील्ड इंग्लैंड में बनाया गया था और वहां से होते होते ये विश्व के और हिस्सों में भी पहुंची। उस समय क्लोज शेविंग एक समस्या हुआ करती थी, इसीलिए लोगों को बार्बर के पास जाना पड़ता था। घर पर शेविंग करने का कोई और औजार भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। दूसरी समस्या ये थी कि स्ट्रेट रेजर चलाते वक्त थोड़ी सी भी चूक होने पर गर्दन पर कट आ जाता था। इस वजह से स्ट्रेट रेजर को उस समय कट थ्रोट रेजर भी कहा जाता था। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप जब शेविंग कराने गए हो कभी भी, तब आपके मुंह पे या गले पे कभी कट आया है, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। इस समस्या को समझकर जिलेट कंपनी के फाउंडर किंग कैंप जिलेट ने 1895 में पहला सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाया। इस ब्लेड की खास बात ये थी कि ये डिस्पोजेबल था, मतलब यूज करो और इसे फेंक दो। कुछ सालों बाद इन्होंने अपने नए ब्लेड के डिजाइन को पेटेंट कराया और साल 1904 में ये एक इंडस्ट्रियल तौर पर ब्लेड का प्रोडक्शन करना शुरू किया। 1904 के समय जिलेट ने पहली बार 165 ब्लेड बनाए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन आर्मी के लिए स्पेशल शेविंग किट बनाने का भी ऑर्डर इन्हें मिला था। इस इन्वेंशन के कई वर्षों बाद 1971 में ट्विन ब्लेड रेजर का आविष्कार भी जिलेट ने ही किया था। 1998 में जिलेट ने ट्रिपल ब्लेड लेकर आया और आज हम मेंस घर पर शेविंग करने के लिए जिन मॉडर्न रेजर को काम में लेते हैं वो डिजाइन भी जिलेट की ही देने। वैसे ये वीडियो जिलेट की तरफ से कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन अगर होता तो अच्छा लगता। वैसे जिलेट की एक फेमस टैगलाइन है कि हम रेजर ब्लेड बनाना छोड़ देंगे अगर हम उन्हें और बेहतर नहीं बना पाते, और ये लाइन वैसे जिलेट को सूट भी करती है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ब्लेड और रेजर पर काम किया है और उन्हें इम्प्रूव किया है उस हिसाब से उन्हें ये लाइन सूट भी करती है। ब्लेडेड रेजर या ड्राई रेजर को 1930 में पहली बार निकाला गया था और इसे जेकब सिक ने बनाया था। शुरुआती दौर में सिर्फ जिलेट ही ब्लेड बनाया करती थी, उस समय उनका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी की बोल्ट वाली ब्लेड बनाने का तरीका जानकर कई कंपनियां मार्केट में उतर आई। ब्लेड में बनी इन खाली स्पेस की डिजाइन को दूसरी कंपनियों ने इसलिए कॉपी करना लगी क्योंकि उनका इस्तेमाल तो जिलेट के रेजर में ही होना था। तब से लेकर आज तक ब्लेड का सिर्फ एक ही डिजाइन मार्केट में आया है और बाद में आई तमाम कंपनियों ने इसे ही फॉलो किया। तो बस इसी के साथ आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।